नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा चिब्बर। आइए रुक करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य खबरों की ओर। नैनीताल जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल अब प्रत्येक बुधवार को हल्द्वानी शिविर कार्यालय में मौजूद रहेंगे। जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी एसएस जंगपानी ने बताया कि जिलाधिकारी प्रत्येक बुधवार को हल्द्वानी शिविर कार्यालय में रहकर जन समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान जिलाधिकारी जन साधारण जन प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों आदि से भेंट भी करेंगे। हल्द्वानी में महाराष्ट्र पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस दंपति को गिरफ्तार कर अपने साथ नागपुर ले गई है। बताया जा रहा है कि यह दंपति पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। दंपति के खिलाफ नागपुर में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार फरार हुए इन पति पत्नी की लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। इसी के चलते हल्द्वानी पुलिस की मदद से महाराष्ट्र पुलिस ने पति पत्नी को बीते दिन गिरफ्तार कर लिया है। उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बीते दिन एक इंस्पेक्टर और 7 दरोगाओं के तबादले किए हैं। एसएसपी ने इंस्पेक्टर उमेश मलिक को प्रभारी एसओजी बनाया है। इसके अलावा दरोगा मनोज जोशी को जसपुर से रुद्रपुर और प्रदीप शर्मा को पुलिस लाइन से थाना ट्रांजिट कैंप में तबादला किया है। एसएसपी ने चेतन रावत, ललित पांडे, सुरेंद्र कोरंगा, बिपिन चंद्र जोशी और अशोक कुमार का भी तबादला किया है। उधम सिंह नगर के किच्छा में पुलिस ने एक पिता पुत्र पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि शराब के लिए पानी लाने में देरी होने पर बाप बेटे ने एक युवक की आंख फोड़ डाली। घटना वार्ड नंबर 5 आदर्श कॉलोनी की है, जहां इलाके में शादी समारोह के दौरान यह सब हुआ। फिलहाल पुलिस बाप बेटे की तलाश कर रही है। उत्तराखंड के पवनदीप राजन शनिवार को इंडियन आइडल के शो पर उस वक्त भावुक उठे जब चंपावत से उनकी माँ सरोज राजन इंडियन आइडल के मंच पर पहुंची। इस दौरान मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल ने जब मंच पर पवनदीप को एक शानदार तोहफे देने की बात कही तो मंच पर हर कोई हैरान हो गया। थोड़ी ही देर में उस सरप्राइज को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई, क्योंकि उत्तराखंड से पवनदीप की मां इंडियन आइडल के मंच पर पहुंचते ही अपने लाल से लिपट गई। उत्तराखंड के चमोली जिले में आपदा के बाद से ही प्रभावित क्षेत्र में राहत बचाव कार्य जारी हैं। आज 15वें दिन भी मलबे में दबे और लापता लोगों की खोज की जा रही है। शनिवार को आपदाग्रस्त क्षेत्र में 5 शव बरामद किए गए। अब तक कुल 67 शव मिल चुके हैं। वहीं आपदा में 137 लोगों भी लापता हैं। तपोवन सुरंग में लगातार पानी का रिसाव होने से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में इस बार शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने के बजाय जुलाई से शुरू होगा। दरअसल कोविड-19 के बाद अब तक कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल नहीं खुल पाए हैं, जबकि 6वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल हाल ही में खोले गए हैं। ऐसे में नए शैक्षणिक सत्र को 1 अप्रैल से खोलने को लेकर कई तरीके की दिक्कतें थी, जिस पर अब विराम लगा दिया गया है। अब शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी जुलाई के बाद ही नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो पाएगा। उत्तराखंड में आबकारी विभाग ने एक नई प्रक्रिया अपनाने का मन बना लिया है। दरअसल विभाग के अनुसार अब शराब की बोतलों और अधे पौओं को ऑनलाइन सुविधाओं से लैस कराने की बात कही गई है। इसके लिए आबकारी विभाग उत्तराखंड में हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम लगाने जा रहा है, जिसे टैक एंड ट्रेस सिस्टम नाम से जाना जाएगा, जिससे बोतलों पर लगे होलोग्राम और एक ऐप की मदद से शराब के बारे में A to Z जानकारी मिलेगी। इससे अवैध शराब की तस्करी पर भी रोक लगेगी। उत्तराखंड में RTO द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की राह आसान कर दी गई है। NCI ने DL के आवेदन का एक नियम बदल दिया है। इससे ज्यादा फायदा उन लोगों को हो रहा है जो घर से लाइसेंस बनवाने के लिए स्लॉट बुक कराते थे। सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद यह नियम RTO में लागू हो गया है। RTO में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोरोना से पहले रोजाना 150 लोग आवेदन कर सकते थे। कोरोना के बाद यह संख्या सीमित कर दी गई थी, लेकिन अब संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 10वें दौर की कमांडर स्तर की बैठक 16 घंटे तक चली। मोल्डो में हुई यह बैठक 21 फरवरी को रात 2 बजे खत्म हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दोनों तरफ से विवादित क्षेत्रों में विघटन को लेकर चर्चा की गई, जिसमें गोगरा हाइट्स, हॉट स्प्रिंग और डेपसोंग जैसे कई क्षेत्रों की बात कही गई। बैठक में विवादित इलाकों में जवानों को हटाने पर भी जोर दिया गया। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।